बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसको कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो आज की वीडियो में केएससी 100 इंडेक्स को पहले मैं डिस्कस करूंगा और देखते हैं कि केएससी 100 इंडेक्स ने जो ये तूफान उठाया हुआ है ये कहां पे जाकर रुक सकता है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप वहां पे जाकर बाइंग कर सकते हैं। तो आज की अगर फिपिलिपी डेटा के ऊपर नजर डालें तो पीपीलीपी डेटा में फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग कर छोड़ी है, हैवी सेलिंग कर छोड़ी है, और बाकी सारी एंटिटीज जो है ना वो बाइंग साइड पे हैं। कंपनीज ने बहुत ज्यादा बाइंग कर छोड़ी, इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा बाइंग पे हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कंपनीज बाइंग साइड पे हैं आज के दिन, कॉर्पोरेट सेलिंग पे हैं। और अगर मैं इसको वीकली बेसिस पे देखें ना कि इस पूरे वीक में क्या हुआ, तो वीकली बेसिस पे देखें तो इंडेक्स को गिराने में मेजर जो किरदार अदा कर दिया है वो कॉर्पोरेट्स ने अदा कर दिया, और इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा बाइंग कर बैठे हैं। तो इंडिविजुअल्स का बाइंग करना और कॉर्पोरेट्स का सेल करना ये अच्छा साइन नहीं है। और उसके अलावा किसी ने इतनी ज्यादा कोई हैवी किस्म की बाइंग नहीं की हुई है एक्सेप्ट बैंक्स। तो 50-50 भी नहीं बल्कि 70-30 चांसेस है इंडेक्स की ना रिकवरी के इस वीक। तो उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं इंडेक्स को जरा टेक्निकल साइड पे। टेक्निकल साइड पे अगर देखें तो अच्छा, आज इंडेक्स ने जो लास्ट एक घंटे की कैंडल बनाई वो जरा अच्छी कैंडल थी, और थोड़ी बाइंग आई आखिरी वाले घंटे में। आखिरी दो घंटे में देखें तो इंडेक्स ने सपोर्ट ली है अपनी और सपोर्ट से ऊपर थोड़ा बंद हुआ है गुड। और मैकडी जो है वो टोटल नेगेटिव है, इसका मतलब है कि प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू रहेगी, कोई नहीं रोक सकता इसको। और डेली बेसिस पे अगर देखें तो डेली बेसिस पे तीन स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन चुकी हैं और मार्केट अपनी सपोर्ट जोन के पास है इस टाइम। और ये मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर वीकली बेसिस पे इंडेक्स 44,193 का लेवल ब्रेक करता है ना वीकली बेसिस पे, ये जुमे वाले दिन की मैं बात बता रहा हूं आपको, अगर ये जुमे वाले दिन इससे नीचे क्लोज हो गया तो आपका वीकली जो व्यू है ना वो टोटल नेगेटिव हो जाएगा और नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट बहुत ज्यादा खराब कर सकती है आप लोग। और अगर इसको दो दिन और एक्सटेंड कर दें वीकली बेसिस के बाद तो मंथली क्लोजिंग चली जाती है। अगर मंथली क्लोजिंग आपको ये, पहली तो बात है कि 44,193 को इसको सस्टेन करना है हर हाल में, अगर ये इसको नहीं सस्टेन कर गया नीचे चला गया मार्केट बहुत तेजी से नीचे आएगी और 42,900 का जो लेवल है ना मंथली बेसिस पे वो मार्केट को सस्टेन करना ही करना है। अगर नहीं करेगी फिर ये मार्केट मंथली बेसिस पे नेगेटिव हो जाएगी और फिर अल्लाह ही हाफिज होगा, फिर और कुछ भी नहीं होगा। तो ये दो तीन लेवल्स आप माइंड में रखें और ऊपर अगर मार्केट आती है तो 45,200 तक आप लोगों ने निकल जाना है, 45,200 की क्लोजिंग का वेट करना है। जैसा कि आज मार्केट ने 600 पॉइंट प्लस किए, 600-700 पॉइंट प्लस किए, गई 45,000 तक वापस आ गई, तो मार्केट का ऊपर से वापस आना ना ये डेंजर साइन है। हाँ अगर ये ऊपर ही सस्टेन कर जाती और 44,700-600 से ऊपर ही रहती ना एक अच्छी इंडिकेशन थी, लेकिन इसका नीचे आकर दोबारा क्लोज होना ये गड़बड़ है थोड़ी ना। तो अपने स्टॉप लॉसेस लगा के रखें और माल को बाय करने में जल्दी नहीं करें, स्प्लिट बाइंग करें। ये दो तीन टिप्स याद रखें, इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉफिट होगा। थैंक यू वेरी मच।